समझा लूंगा। Hey guys, welcome back my YouTube channel। आज हम क्रिएट करने वाले हैं कुछ इस टाइप का ट्रेंडिंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो, देख सकते हैं हम स्क्रीन पर। सो इंट्रो में जी स्मोक इफेक्ट लिरिक्स वाली वीडियो देखे। इस टाइप की वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और अभी ट्रेंड में चल रहा है, आप लोग जरूर देखे होंगे। अगर आपको इस टाइप का लिरिक्स वाली वीडियो एडिटिंग सीखना है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार इस टाइप का वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप का फोटो को एडिट करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का फोटो को आपको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड में फ्लावर, उसके बाद यहाँ पे लिरिक्स, उसके बाद नीचे में इमोजी। तो इस टाइप का फोटो एडिट करने के लिए हम यूज करेंगे पीकार्ट एप्लीकेशन, एंड वीडियो एडिट करने के लिए हम यूज करेंगे VN एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको फोटो को एडिट करना है तो पीकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करें। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे में मिलेगा प्लस वाला आइकन, क्लिक करके एडिट फोटो वाला ऑप्शन में आना है। और सबसे पहले आपको ये फ्लावर वाला इमेज को यहाँ पर ऐड करना है। तो ये फ्लावर वाला इमेज का लिंक मिल जाएगा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जितना भी मटेरियल यूज होगा सबका लिंक मिल जाएगा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये इमेज को ऐड कर लेना, मतलब ये फ्लावर वाला इमेज को। उसके बाद अब क्या करना, यहाँ पे आपको लिरिक्स लिखना है, ठीक है, सॉन्ग का लिरिक्स को यहाँ पे आपको लिखना है। तो उसके लिए नीचे में बहुत सारा टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करना है, यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट वाला ऑप्शन, क्लिक करना है और सबसे पहले आपको यहाँ पे लिरिक्स को लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करना है और फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है यहाँ पर तो बहुत सारा आपको फॉन्ट मिल जाएगा, जो भी पसंद है उस फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको मेरा वाला फॉन्ट ऐड करना है तो ये जो ऐड मिलेगा क्लिक करना है, माय फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है और ऐड फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे कोना में इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये वाला फॉन्ट ऐड हो जाएगा। तो ये फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये फॉन्ट का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे लिरिक्स में शेडो भी ऐड करना है तो यहाँ पे शेडो वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके शेडो भी ऐड कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके लिरिक्स में बॉर्डर भी ऐड कर लेना है, ब्लैक वाला बॉर्डर को ऐड करना है। उसके बाद अमाउंट आपको यहाँ पे 50 में कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे करना है ऊपर में एक बार क्लिक। इतना करने के बाद अब क्या करना है, नीचे में आपको यहाँ पे इमोजी ऐड करना है, ठीक है। तो इमोजी ऐड करने के लिए टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है कुछ इस तरह से, एंड इमोजी ऐड कर लेना है। देख सकते हो मेरा इमोजी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इमोजी वाला फॉन्ट का भी लिंक मिल जाएगा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एरो के ऊपर क्लिक करें और ये वाला इमोजी वाला फॉन्ट रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें तो इमोजी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो कि iOS वाला इमोजी है। तो इस तरह से आपको पूरा लिरिक्स को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको क्लिक करें और सेव कर लेना है सबसे पहले यहाँ पर पहला लिरिक्स को, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लिरिक्स लिखना है तो ये लिरिक्स के ऊपर क्लिक करें दो बार और पूरा को इस तरह से रिमूव कर लेना है और सेकंड जो लिरिक्स है उसको लिखना है इस तरह से, समझा लूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करना है तो सेकंड लिरिक्स भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आपको एक एक करके पूरा लिरिक्स को एकदम आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके सेव करते जाना है, ठीक है। तो इमेज यहाँ से आप सेव कर सकते हो, मतलब एडिट कर सकते हो। उसके बाद अब क्या करना, आपको वीडियो को एडिट करना है। तो वीडियो एडिट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे VN एप्लीकेशन। तो VN एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे मिलेगा नीचे में प्लस वाला आइकन, क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फोटो वाला ऑप्शन जाना है और सबसे पहले आपको पहला लिरिक्स वाला जो इमेज है उसको ऐड करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। इमेज ऐड हो जाने के बाद अब क्या करना है, इमेज का जो ड्यूरेशन है अब आपको लॉन्ग कर लेना है, मतलब जितना सेकंड या फिर जितना मिनट में आपको वीडियो क्रिएट करना है उतना सेकंड मिनट में आपको इमेज का ड्यूरेशन को कर लेना है। तो देख सकते हो डेमो के लिए मैं 10 सेकंड का क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद अब क्या करना, वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आ जाना कुछ इस तरह से, एंड नीचे में बहुत सारा आपको टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करना है, एकदम आपको लास्ट पे चले जाना है और यहाँ पे मिलेगा फॉरवर्ड वाला ऑप्शन, देख सकते हैं हमें फॉरवर्ड वाला ऑप्शन, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे ब्लैक इमेज ऐड हो जाएगा और ऊपर में यहाँ पे वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में यहाँ पे इमेज ऐड हो जाएगा और नीचे में ब्लैक इमेज ओनली ऐड होगा। तो इस तरह से आपको फॉरवर्ड कर लेना है। उसके बाद अब क्या करना, आपको यहाँ पे सॉन्ग ऐड करना है, जो भी सॉन्ग पे आपको वीडियो क्रिएट कर रहे थे उस सॉन्ग को यहाँ पर ऐड करना है। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको म्यूजिक वाला ऑप्शन मिलेगा ऊपर में, टैप टू ऐड म्यूजिक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, म्यूजिक वाला ऑप्शन मिल जाना है, माय म्यूजिक में जाकर यहाँ से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हो यूज वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके। तो मेरे जो सॉन्ग यहाँ पे ऐड हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं दिल को
देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने ऐड कर लिया हूँ। उसके बाद ऊपर में ओरिजिनल वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके 9:16 वाला जैसे मैं कर लेना है एंड ये फोटो के ऊपर क्लिक करना है, लिरिक्स वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है और आपको फुल स्क्रीन पर कुछ इस तरह से फिल वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फुल स्क्रीन पर कर लेना है। इतना करने के बाद अब क्या करना है, आपको यहाँ पे सॉन्ग को सुनना है अब, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिल को, मेरा पहला जो लिरिक्स है यहाँ तक है, तो इस फोटो के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे स्प्लिट करके आगे के पार्ट को आपको यहाँ पे डिलीट कर लेना है और सेकंड जो लिरिक्स है यहाँ पे आपको ऐड करना है, मैं दिल को समझा लूँगा, तो समझा लूँगा वाला इमेज को ऐड करना है, तो प्लस के ऊपर क्लिक करना है, थर्ड नंबर वाले जो प्लस है उसके ऊपर क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन में जाना है और सेकंड नंबर वाला जो लिरिक्स है उसको ऐड करना है इमेज को, ठीक है। एंड आपको फुल स्क्रीन पर कर देना है कुछ इस तरह से और अगर आपको वीडियो को प्ले करना है, देख सकते हैं यहाँ तक है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है इमेज के ऊपर और स्प्लिट करके आपको पार्ट डिलीट करना है, उसके बाद सेकंड वाला फोटो को ऐड करना है, तो प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस तरह से ऐड कर लेना है। उसके बाद फुल स्क्रीन पर कर देना है कुछ इस तरह से एंड अगेन आपको प्ले करना है और यहाँ से है रखना वाला वर्ड, तो इसके ऊपर क्लिक करके स्प्लिट कर लेना है, पार्ट डिलीट कर लेना है और यहाँ से आपको फोटो को ऐड करना है आगे वाला फोटो को, ठीक है। देख सकते मैंने ऐड कर लिया एंड आपको फुल स्क्रीन पर कर देना है अगेन, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है, तो यहाँ तक मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ डेमो के लिए। इतना करने के बाद अब क्या करना, आपको लाइट वाला वीडियो को ऐड करना है अब, तो वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आ जाना है कुछ इस तरह से एंड लाइट वाला वीडियो को अब आपको ऐड करना है, तो ये लाइट वाला वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ये थर्ड नंबर वाला जो प्लस वाला आइकन मिलेगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है, वीडियो वाला ऑप्शन में जाना है और आपको ये लाइट वाला वीडियो को ऐड करना है, ठीक है। तो ये वाला लाइट वाला वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक पार्ट रहेगा, तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे मिलेगा ब्लेंड वाला ऑप्शन, देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन, क्लिक करके आपको स्क्रीन मोड में कर लेना है कुछ इस तरह से और डन कर लें एंड साइज इस तरह से आपको बड़ा करके, मतलब जूम करके साइज को बड़ा कर लेना है। तो देख सकते हो मेरा लाइट वाला वीडियो यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो स्टार्टिंग से एक बार आपको प्ले करके देख लेना है, ठीक है। देख सकते हो कुछ इस तरह से मेरा लाइट वाला वीडियो ऐड हो चुका है। उसके बाद अब क्या करना, लिरिक्स वाला फोटो में आपको एक एनिमेशन ऐड करना है, सब फोटो में एक ही एनिमेशन को ऐड करना है, तो लिरिक्स वाला जो फोटो है इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे मिलेगा मोशन वाला ऑप्शन, क्लिक करना है और एकदम आपको लास्ट पे चले जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेडियंट वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको और एक बार क्लिक करना है तो ये एनिमेशन ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसका जो ड्यूरेशन है एकदम आपको लास्ट तक कर लेना है, ठीक है, इस तरह से एकदम आपको लास्ट तक एंड अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और सेकंड वाला फोटो में आपको यही वाला एनिमेशन को ऐड कर लेना है, बस आपको ड्यूरेशन को इस तरह से लॉन्ग करते जाना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से कर लेना है। उसके बाद अब क्या करना, लाइट वाला वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और एक बार आपको प्ले करके देख लेना है और एक बार इस तरह से, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज का जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा है और लाइट वाला वीडियो का स्पीड काफ़ी स्लो है, तो आपको क्या करना है, लाइट वाला वीडियो का स्पीड आपको बढ़ाना है, तो यहाँ पे आपको स्पीड वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और रेगुलर वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और स्पीड को करना है 1.75 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करना है डन, तो देख सकते एकदम मैच में हो जाएगा, मतलब मैचिंग में हो जाएगा, देख सकते यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको सेकंड वाला फोटो में भी आपको ये लाइट वाले वीडियो को ऐड कर लेना है, तो ये वीडियो के ऊपर क्लिक करें और आपको डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, और आगे में इस तरह से आपको और आगे लेकर आपको इस तरह से चिपका देना है, बस, ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, इस तरह से चिपकाते जाना है सब फोटो में, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ को हम जल्दी से कर लेते हैं। सो गाइस पूरा फोटो में इस तरह से चिपका दिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे लाइट वाला वीडियो, तो इस तरह से आपको कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना, आपको वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आ जाना है, जाने के बाद देख सकते हैं फाइनली मेरा वीडियो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्रिएट कर लेना है एंड अब क्या करना, आपको इस वीडियो को सेव करना है, सेव करने के लिए ऊपर में ये जो सेव वाला ऑप्शन मिलेगा ब्लू जैसा, इसके ऊपर क्लिक करना है और वीडियो को करना है सेव, तो मेरा जो वीडियो यहाँ पर सेव होना स्टार्ट हो चुका है। सो यार इस तरह से आप वीडियो को क्रिएट कर सकते हो, मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया, आई होप कि आपको हर एक स्टेप समझ आ गया होगा। तो गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा आपको लगा, साथ में चैनल पर न्यूज जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इस तरह का और एडिटिंग वीडियो आप लोग सीख सको। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।